खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर थाना क्षेत्र में निजी क्लिनिक पर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। यहां पर डॉक्टर के कान पर धारदार हथियार से हमला करने पर 25 टाके आने पर डॉक्टर को गंभीर हालत में आनन फानन की स्थिति में इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उपचार जारी है। नगर के नामी डॉक्टर के घर पर स्थित क्लिनिक पर एक अज्ञात युवक इलाज के बहाने से आया, जिसने डॉक्टर के पिता पर अचानक धारदार वस्तु से वार कर गंभीर घायल कर दिया। पिता के शोर मचाने के बाद आसपास के लोगों ने भाग रहे युवक को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। सर, आज जो डॉक्टर क्लिनिक पर जो हमला हुआ है डॉक्टर के पिताजी पर, सर क्या है पूरा घटनाक्रम? घटनाक्रम ये है कि वहाँ पे एक कोई अज्ञात व्यक्ति इलाज के लिए बैठा था, उसने धारदार चाकू मारकर घायल कर दिया था। इसके पीछे सर कोई रंजिश बताई जा रही है क्या? ऐसा अभी कोई ऐसा कुछ तथ्य नहीं मालूम पड़ रहा है, जांच में आएगा ऐसा मालूम पड़ेगा। सर कभी फोन लगा कर धमकी के लेकर कुछ परिजनों ने आरोप लगाया क्या? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ा है। युवक कहाँ का बताया जा रहा है सर? युवक उज्जैन का है। क्या नाम लिखता सर? उसका नाम है विवेक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।